नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे अधिक मुसलमान प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएगी। इसमें बीजेपी का मुख्य निशाना इस बार पसमांदा मुसलमान होंगे। दरअसल हाल ही में बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पसमांदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया था, उसके बाद सूफी संतों के साथ संवाद और हाल में पीएम मोदी के मन की बात के 12 संस्करणों का उर्दू किताब के तौर पर अनुवाद बांटने की तैयारी चल रही है। इन सभी तरीकों को बीजेपी की मुस्लिम तबके से जुड़ने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी को पता है कि 2024 की लड़ाई में जीत पक्की करने के लिए मुस्लिमों का साथ बेहद जरूरी है। इसीलिए यूपी निकाय चुनाव के बहाने बीजेपी 2024 के संग्राम की तैयारी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी इस बार सबसे अधिक मुसलमान प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है और इसमें बीजेपी की पहली पसंद पसमांदा मुसलमान होंगे। पसमांदा मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन इस बार पसमांदा मुसलमान वोटर ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। यूपी निकाय चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लगभग 800 वार्ड, नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य की सीटों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने की रणनीति बनाई जा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले दिनों वर्चुअल बैठक के जरिए निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें मुस्लिम समुदाय में भी टिकटों को लेकर सहमति जताई गई है, जिसको लेकर के पहले से आवेदनों में अब तक टिकट फाइनल करने का काम तेजी से चल रहा है। बीजेपी ने निकाय और सहकारिता चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अब जल्दी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों की फहरिस्त में मुस्लिम प्रत्याशी भी दिखाई देंगे। इस मसले पर यूपी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बीजेपी चुनावी वोट बैंक नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है। मुसलमानों को बढ़ाने का काम योगी और मोदी सरकार में ही हुआ। ये मुसलमानों का विश्वास है कि आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में हम जीते और इसी विश्वास के चलते निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में पसमांदा समेत मुसलमानों को टिकट दिए जाएंगे। मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को सही मायनों में सुनिश्चित करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी से 4-4 MLC हुए। अभी कल भी एक जब माननीय राज्यपाल जी ने जब घोषित किया तो उसमें भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। और ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ये किसी बड़े परिवार के नहीं है। आप समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है, ना ही उनको राजनीतिक उनको बढ़ावा देने का काम करती है। उनके कार्यकाल में एक सीमित चेहरे के आसपास उनकी मुस्लिम लीडरशिप घूमती है और उस चेहरे को धरातल पे मुसलमानों के तरक्की से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडर, चाहे MLC बने हों चाहे निगम बोर्ड आयोगों में गए हों, ये आम मुस्लिम परिवारों से आने वाले लोग हैं जो धरातल में मुस्लिम समाज की वास्तविकता को जानते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज हमारी योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए ईमानदारी से उसके नारे पे काम करने का कार्य किया है और आज विश्वास जो मुस्लिम समाज में है वो ईमानदारी से हमारे काम का नतीजा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल किए हैं। सपा ने कहा कि बीजेपी पसमांदा को टिकट देने को लेकर झूठ बोल रही है। जो बैकवर्ड सीट है उन्हीं पर ये टिकट देगी। अगर इतना ही है तो सामान्य सीट पर मुसलमान को टिकट देकर दिखाएं। पंचायतों में आरक्षण देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। बीजेपी केवल पसमांदा के नाम पर राजनीति कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी यूपी निकाय चुनाव के जरिए 2024 में अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत में है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर बीजेपी से सीधा मुकाबला किया जाएगा। निकाय चुनाव की तैयारी है, जहाँ जहाँ बीजेपी के चेयरमैन है, जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर है, वहाँ सबसे ज्यादा मच्छर है, सबसे ज्यादा कूड़ा है, सबसे ज्यादा गंदगी है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, उन्होंने तमाम एम्बेसडर्स बनाए झाड़ू मारने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है जहाँ कूड़ा सड़कों के किनारे, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा हुआ है और सब चेयरमैन मेयर इन्हीं के थे, जिसकी वजह से कूड़ा की परेशानी आई। RLD के साथ में गठबंधन करके जो हमारी पार्टी का गठबंधन है वही गठबंधन आगे रहेगा। दरअसल वर्ष 2017 का निकाय चुनाव भाजपा के मुकाबले सपा के लिए अच्छा नहीं था।
वर्ष 2017 के चुनाव में 16 नगर निगमों में से 14 के मेयर पद पर कमल खिला था। मेयर की 2 सीटों पर बसपा ने कब्जा जमाया था। सपा इस बार भाजपा के इस दबदबे को कम करने की कोशिशों में जुट गई है। सपा अपने परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण में दलितों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने अपने शासन में मुसलमानों को अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का दावा किया है। अब राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए ये कदम है जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। अगर जीते तो सही, लेकिन हार भी गए तो भी मुसलमानों को जोड़ने की कवायद का असर दिखाई देगा। पसमांदा वर्ग को चुनना केवल मुस्लिम तबके से जुड़ने की शुरुआत है। बीजेपी पूरे मुस्लिम समाज में स्वीकार्यता चाहती है, इसीलिए ओबीसी मुसलमान और पिछड़ों को मौका देकर आगे सवर्ण मुसलमानों के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेगी, जो बीजेपी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावी वोट बैंक नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है। मुसलमानों को बढ़ाने का काम योगी और मोदी सरकार में ही हुआ। ये मुसलमानों का विश्वास है कि आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में हम जीते और इसी विश्वास के चलते निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में पसमांदा समेत मुसलमानों को टिकट दिए जाएंगे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे पैनल में आज 4 खास मेहमान होंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दोनों ही संदीप हमारे साथ हैं। संदीप दुबे, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही संदीप चौधरी, प्रवक्ता आरएलडी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ महेश आर्या जी भी जुड़ चुके हैं। महेश आर्या जी प्रवक्ता हैं सपा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नीरज जैन भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चौधरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, अभी आपने सुना कि दानिश आजाद कह रहे हैं कि मुसलमानों का विकास अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। राजनीति में हर कोई अपना समीकरण सेट करना चाहता है और इस तरीके की स्टेटमेंट दी जाती है। अगर ऐसी स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक काफी डिस्टेंस था। और अभी हाल ही में जब आपने अपना न्यूज स्टार्ट किया तो उसमें बताया जा रहा था कि भाई आगे अगर बीजेपी को सर्वाइव करना है तो मुसलमान को अपने साथ लेकर के आना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले से मुसलमान साथ नहीं है। इस तरीके की मेंटेलिटी भी है, इस तरीके की मार्केट में बातें भी है और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तो अगर बीजेपी को काम करना है, जैसा आपने बताया, मुसलमान को जोड़ना है, लेकिन वो मुसलमान ये पूछेगा कि मुसलमान के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सरकार ने मुसलमान के लिए किया है। तो अगर आप उन चीजों का जवाब दे सकते हैं, उनको रोजगार आप दे रहे हैं, उनके लिए कोई इंडस्ट्री आप डेवलप करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो चीजें होती हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जितने पार्टियां हैं, जितने दल हैं, वो सभी के हैं और सभी साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन एक बार मोदी जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, आपको याद दिला दूं, कि भाई टिकट तो उनको देंगे जो जीतेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा था कि टिकट तो उनको देंगे जो जीतेंगे। तो क्या अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर हम मुस्लिम्स को टिकट देंगे वो जीत सकता है, ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब जो है वो संदीप दुबे जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया एक बार महेश जी आपसे भी ले लेते हैं इसी सवाल पर। देखिए रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने का जो चरित्र चांद चरित्र से चेहरा रहा है पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी का रहा है। और हिंदुओं के बीच में वो अपना ये वो लेकर के गए थे, परसेप्शन लेके गए थे, अपना विचारधारा लेके गए थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदुत्व की पक्षधर है और उसको लेकर राजनीति की, उन्होंने इसको लेकर सफलता भी प्राप्त की। 9 साल के अंतराल में मोदी जी के कार्यकाल में शुरुआती दौर से ही एक एक करके मुस्लिमों को मुद्देबाज उनको पिछड़ा गया, उनको हतोत्साहित किया गया और कहीं ना कहीं उनको इस तरह से टेररिज किया, उनको दहशत किया गया और लास्ट में आकर के उनके उनके करीब जाने की बात करने लगे, उनके हितैषी बनने की बात करने लगे। तो इससे पूरी तरह से ये कंट्राडिक्टरी है। मुझे नहीं लगता कि इसको कर पाएंगे। इनके दिल में मुसलमानों के प्रति
अचानक ये प्रेम कहाँ से जाग गया, ये तो मुस्लिम भाई भी समझ रहे होंगे जो हिंदू समाज इसका है, इसका जवाब तो संदीप दुबे जी ही आपको बेहतर देंगे। संदीप जी, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई अब तक तो इतनी मोहब्बत नहीं थी आपको, अचानक से ये इतनी मोहब्बत मुस्लिमों के प्रति कहाँ से जाग गई? ऐसा ये देश है कि जो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की बात करते हैं वो दंगे कराते हैं, और हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि मुस्लिम और हिंदू आपस में यहाँ लड़ते हैं इस देश में, और जो मोदी जी का सबके साथ सबके विकास का नारा है वो नारा साकार न हो और ये देश आगे न बढ़े। आज हम सबकी सबसे अच्छी बात है विशेषता उत्तर प्रदेश के अंदर कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा कारीगर किस समाज के हैं? मुस्लिम समाज के आते हैं। योगी जी ने वो करके दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर कि उन कारीगरों को रोजगार मिला। 1300 लड़कियों की शादी योगी सरकार ने कराई, मुस्लिम हमारी बहनों की शादी कराई। किसकी वो किसके लिए? मुझे समाजवादी पार्टी के लोग बता दे, आरएलडी के लोग बता दे, जो मुस्लिम करते हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुख्य धारा की जितनी योजनाएं हैं आज अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसमें कोई जाति नहीं है कि ब्राह्मण को मिल रही है, मुस्लिम में पंडा को मिल रही है, किसको नहीं मिले। सरकार की तो सारी योजना सभी के लिए और अंतिम व्यक्ति को मिल रही है। जी, इतनी मुस्लिम बेटियों की शादी हुई है, इतनी मुस्लिम बेटियों का निकाह हुआ है, आपको पता नहीं चल पाया? संदीप जी तो बता रहे हैं कितना काम किया है योगी सरकार ने। रेशु जी, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भाजपा की सरकार है, यही योगी और मोदी जी की सरकार है। जो आपस में जो शादी होती है उनको लफ जिहाद के नाम पर मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उनको सताया गया। आप कब स्वीकार करेंगे कि देश में रहने वाला हर जाति का व्यक्ति आपस में भाई भाई है? ये कब स्वीकार आप करेंगे? क्यों आप लड़ा रहे हैं? चैनलों पर बैठ के अगर हम लोग यही करते रहेंगे तो फिर बना लिया ना इस देश को विश्व गुरु। हम लोग को अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है, समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लेके आना तो पड़ेगा ना साहब। आपके पास कब तक भी ढकेलते रहेंगे अपने वोट बैंक के लिए? कब तक उसको गरीब बना के रखेंगे? तो हम सब तक सोचना पड़ेगा। अगर आप इतनी चिंता कर रहे हैं तो आप गरीब ब्राह्मणों की क्यों नहीं चिंता करते? दलित लोगों की क्यों नहीं चिंता करते? तो सबकी चिंता अगर ये सरकार कर रही है तो हमने माफ कर दिया? योगी जी ने जब अंतिम व्यक्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करके और सबको किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो सबके लिए सरकारी योजना कथन अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है, ये तो खुशी की बात है। सराहना करना चाहिए। आप तो इतने बड़े हैं राजनीति में, हम लोग के बड़े भाई हैं, आपको भी इसकी सराहना करनी पड़ेगी। कोई तो कोई सरकार है ऐसी जो सबके लिए सोच रही है। आप कितना भी अच्छा काम करें लेकिन सराहना कैसे कर सकते हैं? वो तो विपक्ष में है ना, तो विपक्ष कैसे सराहना कर सकता है? संदीप दुबे जी, आप उम्मीद भी किससे कर रहे हैं? बहरहाल नीरज जी भी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों को साधने की जो रणनीति बनाई है वह अब तक के निकाय चुनावों में बीजेपी का एकदम नया प्रयोग होगा। इससे राज्य के बाकी फैक्टर भी बदलेंगे, वोटर पैटर्न बदलेगा। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? मैडम, मैं साफ बात आपको बता दूं कि इस वक्त ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए हैं इसी में इनको सारे देश के या पसमांदा मुसलमान को इनको समझ में आ गए। ये इन्होंने ये कितने ही नारा दिया था, एम वाई का, ठीक है, एम वाई का नारा किसने दिया था, 80-20 का नारा किसने दिया था देश में, ये जो है देश में धर्मांधता किसने फैलाई थी, किस प्रकार से अभी हाल ही में आपको मालूम है राजस्थान के लोगों का, हरियाणा में किस तरह से दो लोगों का जो है कत्ल हुआ। अब अचानक इनको मुसलमान क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये जान रहे हैं कि वर्तमान में कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी ने उसको जो सजा इन्होंने आऊंगी संदीप जी आपके पास आऊंगी 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 आपके पास बहुत बुरा ना हो जाए, और इसलिए क्योंकि इनका जनाधार खिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उत्तर प्रदेश में इनका मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी बैठी है, और इससे डर के ये लोकल वादी इसके द्वारा आना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश का पूरा मुसलमान, चाहे पसमांदा हो चाहे कोई हो, सबको मालूम है कि इनकी मानसिकता कैसी है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये बात एक सही कह रहे थे, क्योंकि मेरा वीडियो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक एक्सपेरिमेंट इनका कर रहे हैं। क्योंकि मोहन भागवत जी ने वहां से कहा ना कि वो मस्जिद में गए थे तो पूरे देश में बवाल हुआ, तो उनको मालूम चल गया कि इस देश में हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा, जब तक हिंदू मुसलमान चलेगा और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो 20-20 हजार करोड़ रुपया का घोटाला जिसको कोई स्वीकार नहीं रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति का दिल बैठा है,
देश का दिल बैठा है और यहाँ पर मजबूत विपक्ष इनको समाजवादी पार्टी का मिल रहा है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहरा नहीं कि समाजवादी पार्टी अगर सारे विपक्ष इकट्ठे हो गए तो उत्तर प्रदेश में लोकल वादी तो छोड़िए हर चुनाव में भाजपा को उनकी भूमिका दिखाएंगे। ठीक है संदीप जी, सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है इसका डर लग रहा है आपको? बड़ी अच्छी बात है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और मेरे पहली गाड़ी से खुद को कहीं चले जाओगे। तो ये समाजवादी नीरज जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं जवाब ले लेती हूँ नीरज जी। आऊंगी एक विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो तो सुबह सुबह बैठेंगे गाड़ी से चले जाएंगे। अब इनके हाथ में ये है छटपटाहट, इनके हाथ में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके सामने इनकी पोल पट्टी भेद खुल गई। गरीब बनाओ, राज करो, मुसलमानों को भी बांटो और हिंदू मुस्लिम कराओ आपस में। सब गांव के सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हैं, मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, मुस्लिमों को डराओ और डराने के बाद इतना कर दो, इतना पीड़ा पहुंचा दो कि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में ना बने। रेशु जी देखिए, पहली बार इस देश में हो रहा है कि हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोगों को एकता पसंद नहीं है और बात समाजवाद की करते हैं। पहली बार इस देश में हो रहा है कि बहन बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इन बहन बेटियों में भी भेद करने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के धन पहुंचते हैं, इनको भी उस योजनाओं में बहन बेटी आगरा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम करने में कुछ नहीं मिल रहा। तो इनकी बौखलाहट और नीरज भैया तो हमसे बहुत बड़े। ठीक है, ये सब कुछ सिर्फ आपके रिपोर्ट कार्ड में है, आपका अपना रिपोर्ट कार्ड है, आपका अपना रिपोर्ट कार्ड है, तो जाहिर सी बात है संदीप दुबे जी की अच्छा ही होगा। बहरहाल महेश जी सर सवाल पूछ लूं मैं, उसका जवाब दे दीजिएगा, मैं सवाल कर लेती हूं आपसे, आप चिंता मत करिए। महेश जी ये बताइए कि बीजेपी इस बार सबसे अधिक मुसलमान प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएगी जिसमें बीजेपी का मुख्य निशाना पसमानदा मुसलमान होंगे, तो ये तो सीधे आपके वोटर वर्ग छीनने वाली रणनीति है। खुलवा तो मजा आ जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं रेशु जी, देखिए ऐसा है, मैं अभी थोड़ा टाइम दीजिएगा मैं आपको बता एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस तरह से हिंदू समाज में 85% जो कबेरा वर्ग है जिनको जिन लोग शूद्र बोलते हैं, एक लंबे अरसे से वो लोग डिमांड कर रहे हैं अपने मान सम्मान स्वामान की, तो उन्होंने उनकी नहीं सुनी, उनके बारे में आज तक नहीं न्याय किया, तो आज पसमानदा समाज मुस्लिम समाज में वही कबेरा वर्ग है जो 85% है जिनके बारे में, इनके लिए तो हमेशा हिंदू मुसलमान ही रहे और उनके बारे में बोलते थे कि यदि हिंदू यदि भारत में रहना होगा तो फिर वंदे मातरम कहना होगा, मुस्लिम के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये नफरती नारे किसने दिए थे, और ये लोग आज भी मुसलमानों को क्या वो लेके जाएंगे, क्या हिंदुओं में लेके जाएंगे, ये पूरी तरह हिंदुओं में भी फैलाव हो चुके हैं और मुसलमानों में तो मुसलमान तो भरोसा करने वाला नहीं है। अगर भारतीय संविधान में अगर ये व्यवस्था नहीं की गई होती तो मुसलमानों के कब तक ये खदेड़ दिए होते, मुसलमानों के साथ कितना सौतेला व्यवहार शुरू से बीजेपी आरएसएस कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के बीच में भी ये बेनकाब हो चुका है, ये चेहरा क्या लेके जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम समाज में ये डोरा डालने की कोशिश की। बिल्कुल भारतीय संविधान को लेकर आपने बात की और भारतीय संविधान को संदीप दुबे जी आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि आप एक वकील भी हैं, बड़े गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं सपा ने। रेशु जी एक बात तो बहुत मजेदार है, मजेदार ये है कि समाजवादी पार्टी के मेरे बड़े भाई आज बौखलाहट में, इसलिए बौखलाहट में है कि देखिए हमने कभी नहीं कहा कि जातियां अलग होनी चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए, इन्होंने कितना अच्छा मुसलमानों का वर्गीकरण कर दिया, ये प्रतिशत इतना गरीब, ये प्रतिशत ये इतना गरीब, ये जातियों के जातियों के जातियों के जातियों के जातियों नारे शायद आपने नहीं सुने, नारे शायद आपने नहीं सुने संदीप जी, नारे शायद आपने नहीं सुने। भारत एक है और एक ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहा है जो भाईचारे में तोड़ना चाहती है, भाइयों को भाइयों से लड़ाना चाहती है, अब इनसे निजात मिलेगा। मैं मुस्लिम भाइयों को कहूंगा, हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई आपस में प्रेम से रहते हैं इस देश के अंदर, लेकिन ये लोग इन लोगों को लड़ा लड़ा के हमारा दुश्मन बना के बैठे हुए। और एक बात स्पष्ट है, सबको विकास चाहिए, सभी बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए और सबको सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए। और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी सरकार ने ये काम करके दिखाया, आटलबाजी नहीं करी, जुमलेबाजी नहीं करी, जातियों को लड़ाने का काम नहीं किया, आपस में जोड़ के सबका साथ सबके विकास के प्रधानमंत्री के नारे को
हम सब लोगों ने मिलकर गढ़ा है, हम देशवासियों ने गढ़ा। अभी देखिए समाजवादी पार्टी के साथ थी, कह रहे थे कि कैसे आप वंदे मातरम बुलवा लोगे। अरे भैया ये भारत सबका है, सब वंदे मातरम बोलेंगे। आप परेशान मत होइए, आप इस वंदे मातरम से मत डरिए। भारत माता की जय, जो भारत में रहता है सबको पसंद है। डर आप ठीक है, ठीक है। दूसरे संदीप जी भी हमारे साथ हैं, दूसरे संदीप जी भी हैं, उनसे भी जरा चर्चा कर लेते हैं। वो कहेंगे कि भाई हमको तो मौका ही नहीं दिया। संदीप जी, बीजेपी राजनीतिक भागीदारी के मद्देनजर मुस्लिम इलाकों में टिकट देगी या जहां उनकी संख्या अधिक व जिताऊ है और जहां पिछड़े मुसलमानों को अभी तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई? इससे तो पश्चिम में आपकी रणनीति प्रभावित होगी, जाट मुस्लिम गठजोड़ का क्या होगा फिर? देखिए रेशु जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। अभी आपने हाल ही में खतौली का उपचुनाव देखा, वहां से बीजेपी के विधायक थे और त्यागी समाज ने इनका बाइकाट कर दिया। मुसलमान को तो जब जोड़ेंगे, पहले तो ये त्यागियों को खुश कर ले, त्यागी भी इनसे नाराज चल रहे हैं। ठीक है, एक हमारा जो दलित समाज है, बहुत बड़ा समाज है, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को प्रभावित करता है। आप मुझे ये बताइए, जो दलित समाज के मंदिर हैं, उनमें किसी भी मंदिर में बीजेपी के हमारे साथी बैठे हैं, ये दिखा दे, एक फोटो नाम मात्र को भी दिखा दे, इन्होंने किसी मंदिर में आज तक जाके मत्था टेका हो? मुसलमान को तो जब ये अपना करेंगे। आप ये बताइए, जब इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि चौधरियों की चौधराहट निकाल दी, पहले तो ये चौधरियों को अपना बना ले, मुसलमानों को तो जब ये अपना करेंगे? तो ये मेरी त्यागी जी जो क्या नाम रेशु जी बहुत लंबी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, उन्हीं मुसलमानों के बगल में छुरी भी मारना चाहते हैं, लेकिन इनको मारने में कुछ मुसलमान भी रंग बढ़ते बीजेपी चुनाव वाली गा रहा है, परेशान हो रही है हिंदू मुस्लिम को वोट बैंक कितना है, इसलिए ये उस सीट पर किस तरीके से घुमा फिरा के कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, गाँव से लेकर शहर तक मालूम है, साउथ से लेकर वेस्ट तक मालूम है, ईस्ट से लेकर वेस्ट, सब जगह इनकी जो सोच है उसको उजागर है। हर व्यक्ति इनसे परिचित है, इनकी सोच से परिचित है, तो आप समझ सकती हैं। मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, वो वाले मुस्लिम नहीं है कि भाई इनको कुछ पता नहीं है, कैसे भी उनके सर पे मुर्गा घुमा दो, सब समझदार लोग हैं, कहा किसको वोट करना है, पागल नहीं बनाया जा सकता, मीठी बातों में नहीं फंसाया जा सकता। और रेशु जी आपको बता दूं, बातों में भी फंस जाओ, अगर जो किया हुआ 2014 का वादा था कि किसान की आय दोगुना हो जाएगी, तो मैं कहता हूँ बातों में फंस जाओ। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाली बात थी, अगर वादा पूरा किया तो इनकी बातों में फंस जाओ। एक वादा अगर इन्होंने पूरा किया हो रेशु जी, तो मैं कहता हूँ इनकी बातों में फंस जाओ, इसलिए ये बाद में कह देंगे कि तो लॉलीपॉप था या क्या। चलिए ठीक है, कौन कौन से वादे इन्होंने किए और कौन कौन से वादे इन्होंने पूरे किए, ये भी हम एक ब्रेक के बाद संदीप दुबे जी आपसे पूछेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष आपके ऊपर सवाल उठाएगा और जाहिर सी बात है विपक्ष का काम भी यही है। संदीप चौधरी जी, अभी आप कह रहे थे कि इनके पास तो कोई चौधरी नहीं है, इनको कौन वार्ड देगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आप भूल गए कि अगर बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो भी जाट ही है। बहुत अच्छा सवाल है आपका रेशु जी। एक्चुअली जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, चीजें बिगड़ जाती है, तो उन्हें सुधारने के लिए कुछ किया जाता है। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये चीजें उठी और हमने उठाई कि भाई चौधरियों की चौधराहट निकाल दी, तो इसका जो असर था वो ऊपर तक गया और इनको लिया कि इस तरीके से चीजों को सुधारा जा सकता है। और इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जो पहले भी MLC थे, वो भी चुनाव भी नहीं लड़े, चुनाव भी नहीं जीते, लीडर पब्लिक के लीडर भी नहीं है, पब्लिक में जीत करके वो नहीं गए हैं विधानसभा भी अभी तक, उनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का तो काम अच्छा किया या बुरा किया? और रेशु जी मेरी बात ये तो बताइए, अच्छा किया या बुरा किया? रेशु जी देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई चौधरियों की चौधराहट निकाल दी, चौधरियों के लिए कुछ करते नहीं है, कुछ करें तो भी आपको दिक्कत, ना करें तो भी आपको दिक्कत चौधरी साहब। बिल्कुल बिल्कुल रेशु जी देखिए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेटी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो आप कहते हो चौधरियों की चौधराहट निकाल देंगे, और दूसरी तरफ आप फिर जाट को किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना के उनको खुश करने की भी कोशिश करते हो। मैंने अभी कहा था ना, वो मुंह में राम बगल में छुरी, एक तरफ तो गर्दन काट देना चाहते हो। आपको मालूम है हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हुआ था, 31 लोगों की गोली मारी गई थी, 31 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो ये चीज
चीजें लगातार चलती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है तो उसको खुश करने के लिए लॉलीपॉप भी देने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया है, और मैं आपको बता दूं एक व्यक्ति होती है जो पब्लिक का लीडर बन सकता है। इस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पब्लिक का लीडर बन सकता है, उसकी अपनी एक पकड़ हो सकती है, लेकिन उनको नहीं बनाएंगे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को बना देंगे। इनको पता है भूपेंद्र चौधरी एक डमी व्यक्ति है, आज हटा देंगे कल दो व्यक्ति उसके पीछे चलने वाले नहीं है। तो बीजेपी बहुत सिलेक्टिव राजनीति करती है, किसको बनाना है किसको हटाना है सीट पर पहले विश्लेषण किया जाता है, कभी भी दमदार व्यक्ति को ये जिम्मेदारी नहीं देते हैं। चलिए विश्लेषण को लेकर आपने यहाँ पर बात की, नीरज जी ये बताइए कि आजमाए तरीकों को छोड़कर बीजेपी जो दाव चल रही है यह बड़ा सियासी रिस्क भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है मैडम, मेरा एक स्पष्ट ये मानना है, लेकिन मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ कि जब आप जो है क्या फायदा मुसलमानों को जो आप जिस तरह से दे रहे हैं, आप सारी चीजें टिकट दे रहे हैं, तो क्या ये जो है प्रयागराज इलाहाबाद स्टेशन का नाम बदल के जो प्रयागराज किया है क्या वो बदल देंगे, या मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल देंगे जो दीनदयाल उपाध्याय किया है, या फिर ये बताइए कि जो मुगल गार्डन को इन्होंने अमृत गार्डन, संदीप जी आपके पास, देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए किसी की जो है जो नेटिव मेंटेलिटी है, नैसर्गिक मानसिकता है, यू कांट दिस इज द मेन बैकड्रॉप भारतीय जनता पार्टी, तो हमें ये बताइए कि इस वक्त ये इसने क्यों बोखला हाथ में मुसलमानों को देने लगे। अब क्या ये बराबर जो है मस्जिद में फिर वैसे ही जाएंगे, क्या किसी जात के आधार पर लोगों को नहीं बांटेंगे? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो मैं अपने सब भाइयों से चाहूंगा इस पर भी जरा चर्चा करें। संदीप जी अब सवाल आपसे पूछा गया है, जवाब तो बनता है। रेशु जी एक बात कहूंगा, मैंने नीरज भैया आपसे बड़े भाई हैं और हमने राजनीति भी इन्हीं से सीखी है, राजनीति हम लोग के गुरु भी रहे हैं। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये बार बार जो आरोप हमसे लगा रहे हैं, क्या भारत पहले है या नीरज जैन जी पहले या संदीप दुबे पहले? भारत पहले इस देश के लोगों के लिए आना चाहिए कि रेशु त्यागी पहले आना चाहिए और या समाजवादी पार्टी के हमारे महेश आर्य जी, वो आर्या पहले आना चाहिए, चौधरी पहले आना चाहिए, मुसलमान पहले आना चाहिए? अरे भाई ये देश रहेगा तो हम इस देश में रहने वाले हिंदुओं मुस्लिमों किसी जाति के लोगों को सुरक्षित रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपको याद है रेशु जी हम लोग चैनल पे बैठ के ये सारे मेरे साथी कहते थे कि बताओ बताओ दिन बताओ समय बताओ मंदिर कब बनाओगे, है ना, ये समय नहीं बताएंगे, हंसते रहते हम लोगों पे हंसते थे और अन्य हिंदू समाज पे भी हंसते थे। मैं बार बार कहता हूँ ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हो या दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं ये भूल जाते हैं कि कभी कभी हंसते हंसते ये हिंदुओं पे हंसने लगते हैं, तो बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात इस देश की एकता की है, उत्तर प्रदेश की विकास की है, और अगर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना योगी है संदीप जी, लेकिन उनका सवाल समझिए ना, आप राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है 2024 में बनकर तैयार भी हो जाएगा, लेकिन उनका सवाल यहाँ पर ये है कि भाई आपने इतने शहरों के नाम बदल दिए, उनका क्या कारण रहा? रेशु जी स्पष्ट कारण है ना, हमारे जो पूर्वज थे हम कितने साल गुलाम रहे हैं, हम सब गुलामी से उठ चुके हैं, हमें नई इबादत इस देश के लिए लिखना है, हम सब मिल के लिख रहे हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्या नाम बदला तो कोई समुदाय आया विरोध करने? बिल्कुल नहीं आया, सत्य को स्वीकार करके वो सत्य के साथ खड़ा रहा। भारत राम का देश है, प्रभु श्री राम का देश है, और इस देश में हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी जाति धर्म के लोग हो वो भगवान राम को प्यार करते। मैं पूछता हूँ नीरज भैया से, बोलिए जय श्री राम को आप प्यार नहीं करते, राम को प्यार नहीं करते? आपको भी राम से उतना ही प्यार है जितना मुझे, लेकिन आप राजनीति के क्योंकि कुर्सी चली जाएगी कुर्सी नहीं आएगा इसको आगे रख के जब आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि देश को जातियों के गणित में जो बांट की राजनीति होती है उस पर अभी तक आप कायम है। मैं तो बार बार प्रधानमंत्री जी की सराहना करता हूँ, कहते हैं मेरे से बेहतर सोचो ना, अच्छी लकीर मेरे से बेहतर खींचो, मैं विकास की बात कर रहा हूँ तुम मेरे से बेहतर विकास की मॉडल लाओ ताकि राजनीतिक लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करें जिसका फायदा जनता को। आप मुस्लिम मुस्लिम कहिए और मुस्लिमों का योजना खा जाइए। कांग्रेस के मित्र तो पहले कहते थे पूर्व प्रधानमंत्री जी की 94% योजनाओं के तहत भ्रष्टाचार के देख चल जाते हैं, हम मुस्लिम 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 करते रहिए तो क्या हम मुस्लिम समाज का? अरे उनको बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जाए, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये पहली। ठीक है महेश जी, संदीप जी का कहना है कि जब नाम बदले जा रहे थे आपने किसी ने तब तो आपत्ति नहीं जताई? मैं देखिए रेशु जी मैं कहना चाहता हूँ संदीप भाई को कि ये कम से कम ये आरएसएस को और अपनी पार्टी के आला कमान को बताएं, अगर इनके अंदर वास्तव में
हृदय परिवर्तन हो गया तो ये संविधान के अकॉर्डिंग अपना चरित्र स्टार्ट कर दें। ये भारत का संविधान दुनिया के इतना अच्छा संविधान है कि सभी वर्ग सभी जाति सभी पंथ सब खुश मिल के यहाँ मिलके जब भी सरकार आती है ये भगवानों की जातियों में इंसानों को बांटते बांटते जाते बताते हैं, हनुमान को दलित बताते हैं, किसी को आदिवासी बता देते हैं, भगवान राम को राजपूत क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन लेकिन महेश जी ये बताइए ना, महेश जी आपको भी ये समझना होगा ना महेश जी, हरियाणा प्यार दिखा रहे हैं ठीक है, ये पूरे इतिहास को मैंने अभी कल ही पढ़ा। हाँ। कि जो सिलेबस है रेशु जी, जो उत्तर प्रदेश में सिलेबस है उस सिलेबस से मुगल काल को पूरे हटाने जा रहे हैं, शहरों के नाम बदलते चले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इस पर आएंगे। आप ये बताइए, आपको भी ये समझना होगा कि मुस्लिम आपके परंपरागत वोटर नहीं है, उनका आपके साथ जो संबंध की जो डोर थी वो आजम खान थे, लेकिन लगता नहीं कि आजम अब उस डेडिकेशन से राजनीति करेंगे, ऐसे में तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। देखिए रेशु जी, देखिए भारत का मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना ये आरएसएस के लोग हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या दूसरे समाज या दूसरे पंथ के लोग संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान में बिलीव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमारा विकास करे। लेकिन एक तरफ उन्होंने पूरी तरीके से नो शासन को डूब रही है, उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होने जा रहा है, स्थानीय निकाय में खदेड़ा होगा और लोकसभा में अगली बार निश्चित रूप से मोदी जी को उत्तर प्रदेश यहाँ से खदेड़ा करेगा। चौधरी जी, आपको भी लगता है कि बीजेपी की नैया डूब रही है? और निश्चित रूप से तैयार हो गया संदीप चौधरी जी, समाज सारी वर्ग किसान व्यापारी मजदूर मुसलमान हिंदू सब लोग पूरी तरह से इनको सरकार को के लिए आ चुके हैं और ये स्थानीय निकाय में समाजवादी पार्टी और हमारे जो एलाइंस हैं मिलकर के देख लेना बहुत बढ़िया रिजल्ट लाने वाले हैं और वो एक अपने आप में मिसाल बनेगा और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जो हमारी। अच्छा, आप लोगों को हमेशा यही क्यों लगता है कि आपकी नैया पार हो रही है, बाकी जो लोग हैं उनकी नैया डूब रही है? जी पहले संदीप चौधरी जी, आपसे जो सवाल किया था रेशु जी, देखिए बीजेपी की नैया डूब रही है या नहीं डूब रही है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति में कुछ समीकरण होते हैं। आपने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुरेश राणा बहुत बड़ा नाम था बीजेपी का, चुनाव हार गया। उसके बाद कई ऐसे चेहरे थे बीजेपी के जो फायर ब्रांड उनको ये बताते थे, हिंदुत्व का सम्राट उनको बताते थे, लेकिन वही यहाँ पे समीकरण आरएलडी और सपा के ऐसी सेट हुई कि वो लोग चुनाव हार गए। तो यूपी का जो चुनाव रहेगा या लोकसभा का जो चुनाव रहेगा वो समीकरण पे बेस्ड रहेगा। अगर मान लिया त्यागी समाज का जो समर्थन है वो आरएलडी को और सपा को मिलेगा तो देखिए जिस तरीके से खतौली में बीजेपी का कैंडिडेट था वो हार गया, इस तरीके से ये लोग चुनाव हार जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने लोगों को इन्हें अपना। चौधरी जी, आपकी सुई बार बार ये त्यागियों पर आकर क्यों अटक जाती है? देखिए त्यागी हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, हिंदुत्व की एक बड़ी पहचान है और किसान वर्ग से आते हैं और हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और बीजेपी की जो पोल पट्टी खोलते हैं वो त्यागी खोल सकते हैं, इन्होंने खतौली में खोल के दिखाया है, इसलिए हम हमेशा त्यागियों के साथ खड़े हैं। अच्छा ठीक है, संदीप दुबे जी ये बताइए कि आप मुसलमान वोटरों पर इसने लुटा रहे हैं, आपका असल मकसद उन्हें अपने खेमे में लाना है या उन्हें खेमे में बांटना है ताकि विपक्ष को एक मुश्त वोट ना मिले? रेशु जी, दो बातें तो स्पष्ट है इस देश में और देश की राजनीति को भी समझना चाहिए और मैं बार बार एक विषय को हमेशा रखता हूँ, वो विषय ये है कि इस देश को हम कब तक त्यागी दुबे जैन आर्या चौधरी इसी में बांटते रहेंगे और देखते रहेंगे? क्या हम लोग का इसमें भला होगा? क्या इस देश का भला हो सकता है? क्या इस समाज का भला हो सकता है? क्या फिर क्या समाज में असुरक्षा की भावना हम लोगों में पैदा नहीं होगी? हम हमारी बहन बेटी असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? अगर सुरक्षित उत्तर प्रदेश चाहिए, बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए, तो इन सबको छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश मिलकर जो इबारत लिख रहा है योगी जी के नेतृत्व में वो पूर्ण होगा और हमारा उत्तर प्रदेश समृद्ध है और समृद्ध होगा। और दूसरा, भाई साहब हमारे कह रहे थे समाजवादी पार्टी के जीतेंगे, अरे चुनाव लड़िए पूरे जगह भाई, तब तो जीतेंगे। आप तो अभी से कहीं का ईट कहीं का रोड़ा
छाती में कुनबा जोड़ा तड़के अपना कुनबा जोड़े जा रहे हैं, सोच रहे हैं मुसलमान हमसे छूट गया, मुसलमान वोट नहीं देगा, फिर अभी कोई और जाति आ जाएगी, कोई और जाति जाए, ये जातियों के गणित में उलझा। अब ये प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, अब ये उत्तर प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा हुआ है, अपनी समृद्धि खुद जीतेगा। और एक बार नीरज भैया के बात का मैं जवाब दे दूं आखिरी एक मिनट में, नीरज भैया हम सबके बड़े भाई हैं और उनको हम प्यार करते हैं, लेकिन उनको भी अपनी मानसिकता बदल देनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनके छोटे छोटे भाई हैं वो अभी इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना चाहते, इस देश को जोड़ के अपनी इबारत लिखना चाहते हैं। और मैं एक और बात कहूँ, काटे दो मुश्किलों को या ताज दो मुझे, जो भी कठिन सवाल है वो सवाल दो मुझे, चलना नहीं है आंख मूंद के कहीं, किसी भी जमात से चाहो निकाल दो मुझे, और जाऊंगा मैं वहीं स्वर्ग बनाऊंगा, धरती तुम्हारी आकाश या पाताल दो मुझे। भारतीय जनता पार्टी नई इबारत लिख रही है इस देश के अंदर, और आप सब लोग आपके आपके अंदर संदीप जी इतनी प्रतिभा है, ये तो हमें पता ही नहीं था, किसी दिन काव्य पाठ होगा तो उसमें भी हम आपको बुलाएंगे। बहरहाल नीरज जी, क्या मुस्लिम वोटर इतने फ्लेक्सिबल हैं जितना बीजेपी सोचकर आगे बढ़ रही है? और यदि मुस्लिम वोटर फ्लेक्सिबल साबित होते हैं तो प्रदेश में राजनीति करने का तरीका और राजनीति में बीजेपी को देखने का तरीका दोनों बदल जाएगा? ऋषि जी देखिए, पहली चीज तो यह बात सही है कि आप हमारे सब छोटे भाई हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि देश की 142 करोड़ की आबादी पूरी देशभक्त है, बांटने का काम और काटने का काम किसने किया ये किसी से छुपा नहीं है। हम चूंकि छात्र राजनीति से लेकर शिक्षक राजनीति पर हमने एक परचम लहराया है और एक शिक्षक की हैसियत से हम यहाँ बैठे हैं, तो अपने छोटे भाइयों को ये बताते कि देखिए देश के प्रधानमंत्री के भी नॉलेज को थोड़ा अपडेट करवा दीजिए, वो कभी कभार कैसे बोलते कैसे नहीं बोलते हैं वो आपको याद है। हम इस पर बताए देखिए एक्चुअली क्या हुआ, राजनीति को बदलने के लिए एक आदमी ऐसे थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी राजनीति अपने एक संवाद के जरिए बदल दी और जिससे बौखला गई भाजपा। हालांकि हम मानते हैं कि उनको नहीं कहना चाहिए था, ये उसका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यदि धर्म के खिलाफ ऐसा बात कर देना वो ढोल गवार कूट पसमारी सकल तारना की अधिकारी, लेकिन उसने अपना पॉलिटिकल काम कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने पॉलिटिकल काम कर दिया, लोगों ने उनको अच्छा स्थान दे दिया। इस पर मुख्यमंत्री का शांत रहना यह हो गया कि सवर्णों में एकाध लोग जिनको गाली दी गई थी वो इस राय की होंगे या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन वो भी नहीं किया। अब क्या हुआ, जब एक तरफ पूरा पूरा वोट सेक्टराइज होकर उधर चला गया तब इनको बड़ी चिंता हुई, जब चिंता हुई तो ये इन्होंने क्या किया, रिकवरी का कार्ड चल दिया है। अब इस वक्त सारे मुद्दे हट जाए, लोकल बॉडीज के इश्यू पे आ जाए, 30,000 करोड़ मुद्दे की चर्चा ना हो, डिग्री की चर्चा ना हो, अरे सब पढ़े लिखे इतने काबिल लोग यहाँ बैठे हैं यार, ये बात बताओ, देश के प्रति जवाबदेही प्रधानमंत्री की बनती है और राज्य के प्रति जवाबदेही उसकी बनती है मुख्यमंत्री की। देखिए दानिश सुन्नी समुदाय के हैं, दानिश ने बहुत अच्छा काम किया जो कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन रजा थे जो शिया समुदाय के थे। भारतीय जनता पार्टी की मोटी मोटी सोच है कि शिया कम्युनिटी तो हमारे साथ रहती है, सुन्नी कम्युनिटी बहुत है, सुन्नी कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, वो हम किस तरह से उसको लाएं। तो ये लुभावने वजह से कि एक लड़का नई लड़की से अपनी दोस्ती करता है तो तरह प्रेजेंट करता है ना, दिस इज द ट्रेंड ऑफ दिस भारतीय जनता पार्टी, सॉरी डोंट माइंड इट, बट लेकिन जब डिबेट में बैठे जब वी शुड डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, व्हाई यू हैव रिमेंबर दीज मुस्लिम्स नाउएडेज, आज ही आपको मुसलमान क्यों याद आ रहे हैं लोकल बॉडीज में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब आपका खेल नहीं चलने वाला है। मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने कहराना में कहा था हम गृह मंत्री से लेकर सब घूमे थे, किसी से कुछ छुपा नहीं है, 80-20 80-20 ठीक है, जवाब जवाब महेश जी, अगर पसमानदा मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ खिसक जाए तो नए सियासी समीकरण में आपके लिए क्या संभावनाएं बचेंगी, रणनीति तो आपने भी कुछ रची होगी? देखिए हमारी समाजवादी पार्टी एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी है जो संतों गुरुओं महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलती है, समता मूलक समाज में बिलीव करती है, सामाजिक न्याय में पक्षधर है और उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के पंथों के लोगों को हमेशा से स्थान दिया गया है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है कभी भी, और भारतीय संविधान में बिलीव करती है। तो सीधे सी बात है, हमारी कभी कोई इस तरह से हमको MI के फैक्टर में बांटने वाले यही लोग हैं, यही लांछन लगाते हैं, कौन सा ऐसा समय हुआ समाजवादी पार्टी ने किस वर्ग को सम्मान नहीं दिया, पार्टी की संगठन से लेकर के टिकटों से लेकर हर वर्ग को हमेशा सम्मान दिया, उनके समुचित स्थान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा
पार्टी हमारी पार्टी के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया कि भाई ये जो है हमारी फैक्टर को लेकर चलती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मुस्लिम विरोधी चेहरा रहा है, और इनकी जो हाउस में बैठी हुई सांसद आज भी बोलती है, आज मुझे बताइए दुबे जी कहे उनको बताए जाके, वो बोलती है कि हर घर में हिंदू सूर्य चक्कू तेज करा लो और उनके लिए मुसलमानों से निपटा लो, हर इस तरीके से भाषण देती है। इनके इनके साधु संत और इनके जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं हिंदू 10-10 बच्चा पैदा करो, ये इन्हीं के बोल हैं, इन्हीं के बोल हैं कि वंदे मातरम कहो नहीं भारत छोड़ के चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ये अचानक ये क्या हो गया? हम भारत के संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं और हमेशा सभी समाज में तो इनको भी सम्मान करता हूँ। दुबे जी को आए हमारी पार्टी में, इनको भी टिकट दे दूंगा, इनका भी सम्मान होगा। लेकिन ये इनकी मैं समझता हूँ, अगर ये अपने आकाओं को जिनका रिमोट नागपुर से चलता है, पहले आपके यहाँ जो प्राथमिकता से काम कर रहे हैं इतने सालों से, उनको तो टिकट दे दीजिए, दुबे जी को तो बाद में दीजिएगा। समरसता का पार्ट अगर नागपुर की तरह से पढ़वा दे तब तो देश का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नागपुर में 50 साल तक तिरंगा झंडा भारतीय नहीं फहराने दिया इनके मुख्यालय पे, आपको भी पता है त्यागी जी, सबको पता है। तो कौन राष्ट्रभक्त हो गया? आज वो ही जाकर के आप उनको पता चल गया कि अगर हम हिंदुओं का दिल जीत नहीं पाए, उनको न्याय दे नहीं पाए, उनको मान सम्मान दे नहीं पाए, तो आप मुसलमानों के समाज में जाए उनके जाकर के करें, तो इनका बहरूपिया स्वरूप है। ये मुद्दे से पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन्होंने आए थे तो स्मार्ट सिटी की बात कही थी, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में एक भी शहर बता दीजिए जहाँ पर गंदगी का अंबार ना हो, जहाँ मच्छरों का प्रकोप ना हो, जहाँ अस्पताल बुखार से बीमारों से पटे ना पटे हो, जहाँ पर दिवाइयां है ना, हमारी सरकार में 1 रुपए का पर्चा बनता था रेशु जी उत्तर प्रदेश में, आज वो 50 रुपए का पर्चा बनता है। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां मिलती थी तो आज वो बाहर एक दुकान लगा दी गई है, वहां से दवाइयां लीजिए। और हमारा जो टेस्ट होते थे, चलिए ठीक है, जो 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 उसको लगा दिए, जो जिस सरकार में होता है वो उसी की बात ही करता है। लेकिन ये बताइए संदीप चौधरी जी, जब आप मुद्दे की राजनीति करते थे तो दिल्ली तक डंका बजता था, जब से जाति की राजनीति करने लगे जनपद तक सीमित हो गए हैं। क्या जातीय राजनीति व गोलबंदी बेअसर हो रही है और आप लोग अभी तक एक ऐसी ट्रेंड की राजनीति कर रहे हैं जो बीत चुका है? हरगिज नहीं, ये देखिए त्यागी जी, हरगिज नहीं है। हमने पहले कह दिया कि समाजवादी, महेश जी आपसे सवाल नहीं है, आपसे सवाल नहीं है, चौधरी साहब से। अच्छा, जी देखिए महेश जी ने बहुत अच्छा बताया, मैं आपको बताऊं रेशु जी, जो राजनीति है उसको इस तरीके का जातियों में बांटने का काम कौन करता है, धर्मों में बांटने का काम कौन करता है? हमारे हिंदुस्तान के शहरों को कि ये शहर तो पाकिस्तान बन चुका है, ये भी पाकिस्तान। संदीप जी सवाल आपसे क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? मतलब आप लोग रट कर लेकर आते हैं कि भाई एंकर सवाल कुछ भी पूछे लेकिन जवाब हमें वही रटा रटाया देना है। मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूँ चौधरी साहब, जवाब पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि चीजों को जातियों में बांटता कौन है। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि भाई ये यादवों की पार्टी है, कोई पार्टी ये नहीं कहती मैं जाटों की पार्टी हूँ, लेकिन जो पार्टी इन चीजों को टारगेट करके राजनीति करती है उसकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। जयंत चौधरी के ऊपर जाट पार्टी होने का आरोप, जो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी उनके ऊपर यादव पार्टी होने का आरोप, मायावती जी के ऊपर दलित की होने का आरोप, इस तरीके से बांटने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। सभी पार्टियां देश के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती है, लेकिन कुछ पार्टी है जो धर्म को बेचने का काम करती है, धर्म को बेच कर। आप लोग जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या चौधरी साहब? आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, मैंने ये आपसे सवाल पूछा कि भाई जब आप मुद्दे की राजनीति करते थे तो दिल्ली तक डंका बजता था, जब से जाति की राजनीति करने लगे जनपद तक सीमित हो गए हैं। क्या जातीय राजनीति व गोलबंदी बेअसर हो रही है और आप लोग अभी तक एक ऐसे ट्रेंड की राजनीति कर रहे हैं जो बीत चुका है? देखिए रेशु जी, हम लोग राजनीति मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जन सरोकार की राजनीति कर रहे, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। यही बीजेपी हिमाचल में चुनाव क्यों हार गई आप मुझे बताइए? इसका मतलब ये है कि जहां लोग देख रहे हैं चीजें बदलेंगी, आएंगे जाएंगे, ये चीजें आप भी जानते हैं। राजनीति में हारती तो आप कितने अच्छा काम कर लीजिए, आप ये देखिए शीला दीक्षित ने 15 साल तक दिल्ली में राज किया, कितना काम कराया, लेकिन केजरीवाल ने जब तक किसी का राशन कार्ड भी नहीं बनवाया था तो राशन उसको हरवा दिया, शीला दीक्षित को हरा दिया।
तो राजनीति में हार जीत होना एक अलग चीज है, आप डाउन भी जाएंगे अप भी आएंगे, लेकिन नफरत की राजनीति देश में कौन करता है, मंदिर मस्जिद की राजनीति देश में कौन करता है, धर्म को कौन बेचता है, धर्म के ठेकेदार कौन बने हुए, इन चीजों को जनता समझ रही है, जनता जवाब दे रही है। जैसे आने जाने में टाइम लगता है, 10 साल हुए, देखो अब की बार 2024 में क्या होता है, जनता फैसला करेगी, आपके सामने आ जाएगा। अगर किसानों को उनकी आय दोगुना हो गई होगी तो मुझे लगता है बीजेपी आ सकती है, अगर नहीं हुई होगी, झूठा वादा होगा, तो बीजेपी नहीं आएगी। अगर हमारे देश के सैनिकों की जो वन रैंक वन पेंशन वाला वादा था, अगर वो पूरा किया होगा तो बीजेपी आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर हमारे देश के जो बेरोजगार है उनको 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहे होंगे तो बीजेपी आ जाएगी निसंदेह, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये फेरी बहुत लंबी है, अगर 100 स्मार्ट सिटी बस गए होंगे जो वादा किया था, देश को सपना दिखाया था, तो बीजेपी आ जाएगी। अब नहीं बस रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो झूठे सपने दिखाकर आप काट की आंडी को बार बार नहीं चढ़ा सकते। चलिए, कहावत बड़ी अच्छी है, आप बीच बीच में बोल लेते हैं, मुझे भी कई कहावत आपकी याद हो गई। नीरज जी, बीजेपी के लिए प्रदेश में माहौल ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, उनके पास निर्णायक ओबीसी वोटर हैं, अन्य वर्गों का मिला जुला सपोर्ट है, पसमांदा कार्ड खेलने की बीजेपी को क्या आवश्यकता हो सकती है? आपसे ये समझना चाहेंगे कि यह सियासी आवश्यकता है या प्रयोग? ये वक्त की मांग इनकी है, इन्होंने ऐसा, देखिए ओबीसी में एक बात बताए, देखिए ये चाहे कोई दावा कितना करता रहे, मतलब एक बात जान लीजिए, ओबीसी का अभी आपने अभी हाल ही में संपन्न आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव देखे, 34% ओबीसी अखिलेश यादव के साथ गया है। और आप समझ लीजिए अभी जो ये धार्मिक और जो वो चले हैं डायलॉग्स चले हैं, उसके बाद 34% के मुझे लग रहा है ये 40% के करीब चला जाएगा अखिलेश के पास, और इसी से बौखला करती है पसमांदा समाज को लेना जा रही है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं, हमारे चाहे सारे जितने भी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे, ये लोग एक इनको सेट दे दिया जाता है कि इससे ऊपर आप बोलेंगे नहीं, और अगर आपकी समझ में आए तो आप इसको डाइवर्ट कर दीजिए। देखिए हम आपको सही बात एक बता देंगे, देखिए इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी के अंदर लीडर ऑफ द यंग जनरेशन अखिलेश यादव बैठा है, जबकि लाइकिंग यंग जनरेशन की काफी है, और वो एक प्रमुख विपक्षी दल बन के बैठा है, जिसके चलते सारी बौखलाहट है। उनको मालूम है कि ये भी छोरी MY मुस्लिम यादव की छोरी भी इन लोगों ने दी है, सरकार ने दी है, किसी ने नहीं दी है। और इसमें कोई दोहरा नहीं, जो देश के अंदर राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदले हैं, उसके बाद सत्तारूढ़ दल को लोकसभा के चुनावी नहीं, उसमें निकाय में लोकल बॉडी में भी काफी इनको दिक्कतें होंगी, इसलिए ये नया कार्ड चला है। नीरज जी माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूं, क्योंकि अभी अखिलेश यादव की आपने बात की और समय का अभाव मेरे पास है, लेकिन जाते जाते संदीप दुबे जी आपसे एक सवाल, अखिलेश यादव को सुन रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी के जहां जहां मेयर है वहां सबसे ज्यादा गंदगी है, सबसे ज्यादा मच्छर वहां पाए जाते हैं, जबकि मोदी जी ने सबसे पहले आकर झाड़ू ही अपने हाथ में पकड़ी थी, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करना है। जी मैं एक ही बात कहूंगा, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया, जनता ने वोट नहीं दी, सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी जो बुराई एक मुद्दा होता है, बहुत अच्छी आपने बात कहा कि राजनीतिक पार्टियां मुद्दा भूल गई हैं, वो अपने हिस्से की हित साध रही हैं, जिसके वजह से विपक्ष जो है वो वैसे ही है कि पुनः मुस्को भवा। तो सत्ता का लालसा अच्छी बात है, मैं इनको कहूंगा कि ऐसे ही ये सब लोग अपना प्रयोग करते रहे, और ये गणित जनता को अब समझ में नहीं आती, क्योंकि 1G से अब 5G आ गया है, कुछ दिनों बाद 6G 7G आ जाएगा। जब तक आम जनता के हिसाब से आप अपना रहन सहन चाल नहीं ठीक करेंगे तो आप इस विचारधारा के साथ खत्म हो जाएगी विपक्ष। मुझे दुख होता है, विपक्ष को अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, अपने नेताओं के बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।